अमजद भाई और शऊर और आकाश अयाज तमा हम सब शायर जी जी जो जबान से उनका तैलक है इस हवाले से मैं बात करूँगा कि भेरूमल मेहरचंद आडवाणी ने अपनी किताब सिंधी बोली जी तारीख़ में लिखा है जी। सिंधी सराइकी पंजाबी एक ही जंजीर की कड़ियां हैं और ये बिल्कुल सही बात है। फिर अगर आप इससे भी आगे जाएं तो हिंदको है, पोठोहारी है, फिर गोजरी है जी बिल्कुल, अच्छा उसके बाद हिंदी है, फिर उर्दू है। ये असद मोहम्मद खान उर्दू के मौजूदा दौर के बड़े कहानीकार हैं जी हाँ। उन्होंने अपनी एक कहानी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, एक तरकीब लफ्जी तरकीब इस्तेमाल की है, छपर की थूनी। अच्छा, अब छपर तो उर्दू सिंधी पंजाबी सब में कामन है, छपर जी थूनी, थूनी एक ख़ास एक सिंधी लफ्ज़ आ। तो उनसे मैंने ये पूछा कि भई ये तो खालिस सिंधी लफ्ज़ है थूनी, जो बीच का सुतून होता है लकड़ी का छपर में उसको थूनी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अवधी लहजा जो है उर्दू का वो सिंधी से बहुत करीब है। वाह, अच्छा उसके बाद जब फैज़ को मैंने सिंधी में तर्जमा किया था तो उनकी एक गज़ल है जिसका उनवा टाइटल लिखा है उन्होंने दखनी गज़ल। हाँ, अब उसमें उनका रदीफ था गुजरे था। अच्छा, अब गुजरे था उर्दू में कोई नहीं कहेगा। हाँ, सिंधी में हाँ गुजरता था। हाँ, सिंधी में कहेंगे गुजरे थो। हाँ, गुजरे थो गुजरे था। हाँ, ये दोनों एक दूसरे का जैसे जी, हाँ, लाजमी है इनका, इनकी जो आपस में जो मुशाबहत है गुजरे था गुजरे थो। तो ये जबानों का एक ऐसा सिस्टम है, एक तरह से अपने एक दूसरे से एक तरह जुड़ी हुई हैं कि इनको कोई भी कट्टरपन या तअस्सुब इनको अलग नहीं कर सकता। वाह इमदाद, इस पर काम होना चाहिए, इस पर काम होना चाहिए। इस टाइप के जो हम मुशायरे करें या डिस्कशंस करें उसमें बैठकर हम कुछ तय करें तो ये बहुत बड़ा काम होगा। जो हमने उसको ये जो पटवारी होते हैं ना, फिर डेड स्टॉक को वो लाल कपड़े में लपेट कर ऊपर फेंक देते हैं, तो लैंग्वेजेस को भी हमने ऐसे फेंक दिया है, लेकिन ये आवाम की जबान है, ये इनको फेंका नहीं जा सकता।